हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद रिचा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम इंट्रोडक्शन पार्ट टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.3। ओके, देखिए एक्सरसाइज 1.3 में आपके जो भी है वो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है इंटीजर्स में, उसको स्टडी करते हैं। क्या होती है वो प्रॉपर्टी? देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, सबसे पहले हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने में जो उसके साइन है किस तरीके से यूज होते हैं, सबसे पहले हम वो स्टडी करेंगे। ओके, देखिए जैसे अगर हमने कोई भी इंटीजर्स, दो इंटीजर्स लिए, ठीक है, अगर आपके दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव हैं तो आपका जो मल्टीप्लाई होगा उन दोनों का वो भी क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे हमने लिया 2, मल्टीप्लाई किया इसमें 3 का, तो आपका क्या आएगा, 2 3 6। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, अब आपने एक पॉजिटिव लिया और एक आपने अदर नंबर है वो आपने नेगेटिव लिया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है फाइनल आंसर वो माइनस में आता है। ठीक है, उसको हम क्या लगाएंगे, माइनस। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई माइनस का 5, 4 5 20, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या आएगा आपका, माइनस का 20। ठीक है, नेक्स्ट माइनस का फर्स्ट नंबर माइनस में एंड सेकंड नंबर किसमें, पॉजिटिव है, तो क्या होगा आपका, जो उनका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे कि यहाँ हो गया आपका 3, यहाँ हो गया आपका 6, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, 3 6 18, तो क्या आएगा आपका, माइनस का 18। ठीक है, ऐसे ही आपने दो नंबर लिए अगर आपके दोनों ही नेगेटिव है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। 8 नेगेटिव एंड 4 नेगेटिव, 8 4 32, एंड माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, ये कुछ आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि किस हम साइन कैसे लगाते हैं। जब भी किसी दो डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही आएगा जो उसका आंसर आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव है तब भी नेगेटिव में आएगा, एंड नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। फर्स्ट, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में, अगर कोई भी a क्रॉस b इज अन इंटीजर, फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी कोई इंटीजर्स हैं दो, उनका अगर हम प्रोडक्ट निकालें यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, एक इंटीजर्स होगा। ठीक है, देखिए जैसे ये है माइनस का 20, ये है माइनस का 5, माइनस के 20 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस का 25 100, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दीजिए। ठीक है, ये है 30 जो कि माइनस में है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉरी जो साइन आता है वो किसका आता है, माइनस का आता है, पहले माइनस लगा लिया। ठीक है, और 12 3 36 एंड 0, ठीक है, 360 जो कि माइनस में है, 40 10 400, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी आपकी, दो नंबर इंटीजर्स हैं आपका, देखो इंटीजर्स में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ इंटीजर्स क्या होता है, माइनस उसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, है ना, तो ये दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है जो फाइनल 100 आ रहा है, ये भी हमारा क्या है, एक इंटीजर ही है, यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, माइनस का 360 भी क्या है आपका, इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट सेकंड देखिए, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वही प्रॉपर्टी है आपकी सेकंड। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी मतलब वही है ये। ठीक है, कम्यूटेटिविटी देखिए, हम एक नंबर का दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें या दूसरे का पहले से मल्टीप्लाई करें, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम आएगा। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3,
या 3 into 2, ठीक है। 2 3 जा भी 6 होता है, 3 2 जा भी 6 होता है, सेम आया है ना। अब एक ले लेते हैं हम माइनस का नंबर, सेकंड ले लेते हैं पॉजिटिव नंबर, ठीक है। 6 into माइनस का 4, 4 6 जा 24, माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ऐसे रखिए माइनस को ब्रैकेट में, एंड नेक्स्ट इधर देखिए आप, 6 4 जा 24, ये भी माइनस में आएगा। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी बोलती है कि हम दो नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, चाहे फर्स्ट का सेकंड में करिए चाहे सेकंड का फर्स्ट में करिए, आपका जो रिजल्ट होगा बिल्कुल सेम आएगा। ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। जब भी हम किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है ना। ये आपको पता है ना। देखिए मैंने लिखा 2 into 0, ठीक है, या 0 into 2, सेम रिजल्ट आएगा, जीरो ही आएगा। आप बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए, 8 4 9 6 3, ठीक है, क्यों इतना ही बड़ा नंबर ले लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई हम जीरो का करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जीरो ही आएगा, चाहे वो आपका नेगेटिव नंबर हो चाहे वो आपका पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या है, किसी भी नंबर में हम 1 का मल्टीप्लाई करें या 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वही नंबर आएगा। जैसे 3 into 1 करो या 1 into 3 करो, आपका क्या आएगा, 3 ही आएगा। और आप इसमें भी बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए, उसमें भी 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो वही नंबर ही आएगा, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आप कितने भी बड़े नंबर ले लीजिए आपका जीरो ही आएगा फाइनल आंसर, और इसमें जो हमने नंबर लिया है वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए दो नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई करके उसमें तीसरे नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जब जो रिजल्ट आपका आएगा वही रिजल्ट आपका लास्ट के 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करके इसमें फर्स्ट डिजिट का करेंगे वही आएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मैंने लिया 2 into 3 into 4, ठीक है, 2 into 3 into 4, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6 multiply by 4, 6 4 जा 24, ठीक है। इधर इधर आपका ब्रैकेट में क्या है, ये है 3 4 जा 12 12 2 जा 24, सेम आ रहा है ना, यही आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसमें हम नेगेटिव नंबर लेते हैं कुछ 5 7, ठीक है, इसको नेगेटिव ले लेते हैं। इधर भी यही लिखिए 6 5 7, ठीक है, इसमें इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। अब 6 5 जा 30 माइनस का 7, 7 3 जा 21 एंड जे 0, तो ये माइनस प्लस माइनस में आएगा, है ना। ऐसे ही इसमें देखिए 6 into 5 7 जा 35 जो किसमें आएगा, माइनस में, है ना। अब इसका सॉरी इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 35 में 6 का, 6 5 जा 30 3 6 3 जा 18 18 एंड 3 21, और जो कि किसमें आएगा, नेगेटिव आएगा। ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या किया हमने, पहले 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसका जो आंसर आएगा उसमें जो थर्ड नंबर है उसका मल्टीप्लाई करना है। ओके, ऐसे ही इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, फिर जो आंसर आएगा उसमें फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना है, बट जो आपके ये जो फाइनल आंसर होंगे दोनों के बिल्कुल सेम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक डिजिट है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर के एडिशन में, ठीक है,
या तो इन दोनों को पहले ऐड करिए फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसका पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, जैसे कि ये हो रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, मतलब प्लस है तो प्लस साइन आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस साइन आएगा। देखें जैसे 5 × 6 + 8, ठीक है, 5 × इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 6 + 5 × 8 करिए। देखिए 5, 6 और 8 आपका कितना होता है, 14 होता है ना। पहले सी को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, 14 × 5 = कितना होता है आपका 70, है ना, 5, 6 = 30, 5, 8 = 40, तो कितना आ जाएगा आपका 70, सेम आ गया। अब यही एक नेगेटिव में ले लीजिए, ऐसे मैंने ले लिया ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई 4 − 1 ले लीजिए छोटा नंबर इससे, ठीक है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1, इसको करिए पहले सॉल्व, ये कितना आएगा आपका 3, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 2 × 1 = 2, ठीक है, माइनस है माइनस माइनस प्लस का साइन आता है, कितना आ जाएगा माइनस का 6, दोनों सेम आ गया। ये आपकी क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे जो बिल्कुल इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।